असल व्यूअर्स लिसनर्स कैसे हैं आप सब uh, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड शेर पॉडकास्ट फॉर द गली क्रिकेट शो आज से हम अपनी हर पॉडकास्ट की बिगेनिंग जो है वो इसी नाम से करेंगे द गली क्रिकेट शो सो आई होप यू लाइकिंग द नेम सो फार तो शेरियार यू you नो know, हम बहुत तारीफों के पुल बांध रहे थे कलब्रार के जो कि आई मीन राइटली सो यू नो ही हैज बोल्ड स्पलेंडेडली और इवन जो आज का दिन गया उसमें ब्रार है स्पिन बॉलिंग वेरी गुड तीन विकेट भी ले ली हैं मैच के दस आउट हो गए हैं लेकिन यू you नो know, कहते हैं कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एंड अपेरेंटली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एवरी गुड थिंग कम्स टू अ वेरी अर्ली एंड दैट आई मीन यू नो हम कल बैटिंग की भी तारीफ कर रहे थे और हमने ये भी कहा था कि कोई भी कांट हो सकता है और अपेरेंटली वो हो गया तो यू नो इन नट शेल वट डू यू थिंक पाकिस्तान की जो बैटिंग गई है uh, कल के दिन हाउ डू यू हाउ डू यू रिव्यू दैट

नो तो मीन कह भी नहीं सकते कुछ क्या क्या, क्या कहें यार मीन I mean, जिस तरह ही आउट हुए सारे के सारे मगर ठीक है थोड़ा बहुत अभी भी होप है कि भाई पांच आउट कर गए शायद यू नो डे थ्री के फर्स्ट सेशन में शायद दे आर तो, you know, दे विल बी एबल टू यू नो टेक द रिमेनिंग विकेट्स और फिर शायद सेंसेबल बैटिंग कर जाए उसके बाद मगर बात है वा कि लॉर्ड ऑफ इप्स विद, विद आर बैटिंग आई मीन बीइंग पाकिस्तानी लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो यू नो पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें होप्स ही है, you know, हर, हर होप है कि यार ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए लेकिन ये लाइक इट वॉज ऑफ इवन जो बाबर जिस बॉल पर आउट हुआ है यू uh, नो you know, वो ठीक है अच्छा बॉल था अच्छी जगह से अंदर आया बॉल लेकिन बहुत लेजी शॉट था बाबर का यू नो आई मीन फॉर अ बैट्समैन पहली बार बॉलिंग करा रहा था पहली बार बॉलिंग करा yeah, रहा था एंड यू नो फॉर मतलब यू आर जस्ट गोइंग फॉर इट उस कैलेबर के बैट्समैन के लिए वो एक लेजी शॉट था तो वट डू वट यू थिंक अबाउट इट नहीं आई मीन वही वाली बात है ना कि धन इट रियली कम्स डाउन टू के भाई आप बींग कैप्टन यू नो यू आर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस लाइन अप थोड़ी सी तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी मेजोरिटी दिखाओ कि तुम्हारे साथ जो बंदा खेल रहा है मच द पेयर जिसने मेजोरिटी द रन बनाने थे बाकी जो थे उसके बाद उन्होंने सिर्फ चिप इन करना था यू नो विद गुड कंट्रीब्यूशंस मगर आप बाकी से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते थे कि जी के वो कोई बहुत लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो आप ही लोगों ने करना था और जिस तरह से स्टार्ट अच्छा हुआ डे का और उसके बाद जिस तरह से विकटें फेंकी हैं वो यू नो दैट टेल्स के ऑब्वियसली इन एक्सपीरियंस हैं और ज़रा सा भी प्रेशर आता है अगली टीम हावी होती है तो वी जस्ट यू नो इट अवे तो मीन I mean, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये दोनों थोड़ा और लंबा खेलेंगे यू नो बाबर और सऊद प्रबली दोनों अपनी यू नो सेंचुरी शायद मुकम्मल कर लें बैटिंग पिच है अच्छा है ठीक है स्पिन को मदद मिल रही है मगर हमारे यू नो बी अ पाकिस्तानी आप एक्सपेक्ट करते हैं यार कि हमारे प्लेयर्स एटलीस्ट स्पिन पे तो होम कंडीशन में अच्छा खेलेंगे बट ऐसा हुआ नहीं तो देखते हैं अल्लाह आगे क्या होता है नहीं आज क्रिक इन्फो पे भी एक आर्टिकल आया हुआ था पता नहीं आज का था एक दो दिन पहले का था लेकिन उसका टॉपिक यही था कि पाकिस्तान फ्लैट ट्रैक्स पे भी कोलेप्स में कोलैप्स किए जा रहा है एंड लाइक यू नो इस तरह के बैटिंग ट्रैक्स जो पाकिस्तान ने बनाए हैं प्रिपेयर किए इस सीरीज के लिए उस पर अब कुछ एक्सपेक्ट करें नगर लेकिन एटली सीधा एक्सपेक्टेशन जायज बनती है कि हमारे बैटर उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे कभी ऐसा भी लगता है कि चाहे जितना भी बड़ा बैट्समैन है हमारी टीम का वो यू you नोट know, मतलब सेवनटी एडी पे पहुंच के उनको लगता है कि यार हमने यहां अपना पूरा काम कर लिया नो I mean, you know, एक कैपिटलाइजेशन होती है इनिंग्स में ठीक है बाबर डस्ट दैट वेली गुड इन ओडीआई बट टेस्ट में जो है ना वो मतलब उसका कन्वर्जन जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है अभी तक जितना होना चाहिए और यार एक चीज मैं और आ, पूछना चाहूंगा और इस पर बात करना चाहूंगा कि एवरी टाइम आई सी रिजवान बैटिंग इन टेस्ट मुझे लाइक आई आई डोंट सी हेम एज सम्बडी हु इज वेरी कंफर्टेबल इन द मेडल मतलब यू नो ठीक है टी ट्वेंटी में रिजवान हैज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन लेकिन टेस्ट में उस बंदे की डायनेमिक्स जो है बैटिंग की वो लाइक थोड़ी सी कंफ्यूज लगती है uh, आपको लगता है ऐसा कि ही इज इन टू माइंड में भी कि यार मैं तेज खेलना है हल्का खेलना लाइक डू थिंक इज गोइंग ऑन रिजवान आई थिंक वो लाइक नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट उसकी ओडीआई में भी अगर आप परफॉर्मेंसेज उठा के देखें तो वो इसी तरह की हैं ही जस्ट नॉट एबल टू यू नो गेट गोइंग और टेस्ट में ही वाज बेटर जब उसने स्टार्ट किया था अगर आप 2019 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप स्टार्ट लें तो आप अंटिल 2021 वो टेस्ट में अच्छा कर रहा था काफी मगर उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम वो बहुत इम्पेश नजर आता है पिच पे ही जस्ट आई थिंक ही जस्ट ट्राइंग टू डू ही जस्ट ट्राइंग टू मैनी थिंग्स और ये एट दिस लेवल आपको बहुत चीजें सिंपल रखनी होती हैं कि भाई अगर आपने एक कंट्रीब्यूशन करनी है एक एक ऐसी इनिंग्स खेलनी है जिससे टीम को फायदा हो तो उसमें चीजें काफी सिंपल होनी चाहिए मगर वो उसको देख के लगता है कि ही जस्ट ही इज जस्ट ट्राइंग टू मच और वो आ, स्कोर करना चाह रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है बट वो उससे हो नहीं रहा है Uh, और यही उसका मसला ओ डी आई में भी है कि वो मिडल ऑर्डर में आता है और ही जस्ट डजन नो कि उसको अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है टी uh, ट्वेंटी में आसान होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको पता है बीस ओवर महीने खेलने पावर uh, प्ले का भी एडवांटेज उसको मिल जाता है वो अपना एक एंड से चलता रहता है वो एक उसको एक इनिंग अपनी वोट चला डिक्टेट करता रहता है बट टेस्ट क्रिकेट में इन द मेडल ऑर्डर और ओडीआई डी आई में लीजे लोग का कंप्लीटली डिफरेंट बैट्समैन और उसको समझ ही नहीं आती ऐसा देख के लगता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करना क्या जा रहा है राइट नहीं यह बिल्कुल ऐसे ही है कि यू नो इट जस्ट फील्स लाइक ही ट्राइंग टू मच इन द लॉन्ग फॉर्मेट Um, मुझे नहीं पता इसकी रेमेडी क्या है मतलब अगर एक चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि यार मैंने लंबा खेलना है, मतलब लंबा खेलना लेकिन मैं कैसे खेलूँ लंबा बिकॉज मैं तो बहुत सारा अपना जो uh, बैटिंग है वो शॉर्टर फॉर्मेट में कर रहा हूं लेकिन like उसमें पावर प्ले का एडवांटेज है देन यू हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट वैसे भी हम पाकिस्तान पाकिस्तानी कुछ सूट करते हैं हम वैसे भी कुछ चीजों में लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते तो शायद वो भी एक फैक्टर है लेकिन दैट साइड आई थिंक Because Babar and Rizwan has, uh, you know, uh, both of them have scored so many runs in T20 over the last uh, 15 or so months. Mm -hmm. Which format maybe killing, uh, especially Rizwan? Because Babar, you know, more or less he's, he ends up scoring runs. But Rizwan in particular, uh, there is already a lot of questions about uh, about his batting tactics. Um, and directly So ho I'm hoping. गोइंग फॉरवर्ड यू नो वी गेट टू सी मोर यू नो मोर रंस बैट इन द मिडल खैर उसके बारे में ठीक है हम बात करेंगे लेकिन यू नो इंग्लैंड इज बैक यू नो विद बैट हमें लग रहा था कि चलो कुछ दिन मतलब कुछ टाइम कुछ जो है हमारे बैटर्स बैटिंग करते रहेंगे लेकिन इंग्लैंड भी इंग्लैंड यू नो उनको मौका मिला गेट उन्होंने खोल के सारे बंदे साइड पर कर दिए Uh, तो कैसी लग रही की प्रोग्रेस आपको सो फार अपार्ट फ्रॉम द डकेट को बराबर नहीं आउट किया जो हम <laughs> कल बात कर रहे थे लेकिन सो uh, फार uh, we'll uh, so नहीं आई मीन ऑब्वियसली दे आर हेयर टू विन दीरिज और वो शो कर रहे हैं uh, और टू बी रियली ऑनेस्ट हम लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं काफी ज्यादा यू नो दे Uh, उनको पता है कि जी कि हमने जरा सा भी दो तीन इनके मेन प्लेयर्स हैं अगर हमने उनको टारगेट कर लिया और हमने इनकी अगर विकेट्स ले ली तो यू नो you know, वो फिर उसके बाद अभी इनएक्सपीरियंसड हैं तो वो उस तरह से यू uh, नो you know, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे प्रेशर पे तो सो फार इट इज़ वर्किंग आउट फॉर देम और uh, मगर ऑन अ पॉजिटिव साइड में मैं ये जरूर uh, कहूंगा कि हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली अब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम जो है अब होम में खेलना शुरू हुए हैं कंसिस्टेंटली mm -hmm. तो हमें भी एटलीस्ट अब समझ आएगी कि भाई के होम पे खेलना कैसे है यू नो राइट कौन से कॉम्बिनेशन uh, के साथ कौन सी टैक्टिक्स के साथ हमने जो है वो अगेंस्ट पिक टीम्स खेलना है हम एक एक टाइम पे हम यू में इतना कंफर्टेबल हो गए थे वहां पे खेल खेल के कि अब हम ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में जो सीरीज खेल रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट हमारे लिए एक फॉरेन कंडीशन लगती है right. तो होपफुली यू नो जो भी रिजल्ट आता है सीरीज का और जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसके बाद इस तरह की कंपेटिटिव सीरीज जब तक हमारे प्लेयर्स को मिलती रहेगी दे विल लर्न एंड दे शुड लर्न के भाई के अब होम पे खेलना कैसे है बट आई स्टिल फील के हम जो है वो, वो अगर बैटिंग अपनी थोड़ी शॉर्ट आउट कर लें और प्लान बना लें कि भाई के हमने बैटिंग कैसे करनी है एंड ट्रैक्स पे तो वी स्टिल हैव अ चांस इट्स जस्ट दैट के हम यू you नो know, कितना उसको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं क्योंकि लीड तो मिलेगी यू नो mm -hmm. एक अच्छी खासी लीड मिलेगी टू वन ऑलरेडी हो गए आई डोंट थिंक वो दे विल बी लुकिंग टू डिक्लेयर इन यू नो आफ्टर गेटिंग टू फोर हंड्रेड और समथिंग तो यू नो फोर हंड्रेड प्लस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली कि आपने कोई बहुत ही एक्सट्रॉर्डिनरी बॉलिंग करा दी और उनको थ्री फिफ्टी टू थ्री सेवेंटी अगर आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इट वो भी इंटरेस्टिंग क्योंकि डे थ्री है और उसके बाद दो दिन और है तो यू नो बट वही वाली बात है कि इट ऑल डिपेंड ऑन आस कि हम कैसा खेलते हैं क्योंकि हमने कोई बहुत ज्यादा उनको उस तरह से फाइट uh, नहीं दी है टू बी रियली ऑनेस्ट तो विच इज समिंग हमें करना होगा दो दिन हुए है, तीन दिन बाकी हैं और मैं इस पे वापस आऊंगा बिकॉज यू नो आई डू हैवे क्वेश्चन अबाउट आई डू वॉन्ट टू ब्रिंग अप पॉइंट कि हाउ मच लीड वुड इंग्लैंड बी लुकिंग एट बिकॉज अभी उनके पांच आउट है अगर उनका करंट प्लेयर जो है वो थोड़ा खड़ा होता है पिच पे तो यू you नो know, वो बहुत लंबा भी खेल सकते हैं इसको भी पांच विकटें रहती हैं तीन दिन बाकी हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को आउट किया है अभी पहली इनिंग्स में तो उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला होगा कि यार इस ट्रैक पे हम भी कुछ सिमिलर टैक्टिक्स यूज करके इनको गिरा सकते हैं और यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कंडीशन की बात की है बिकॉज ठीक है हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं हम होम में खेल रहे हैं लेकिन ये कंडीशन जो है जो यूए की कंडीशन है ये वन टू वन कन्वर्जन नहीं है मतलब कुछ लोग कभी कभार इस बात को uh, मतलब इतना जितना इस बात को लोग इतना समझते नहीं है आज से कि यू नो जस्ट बिकॉज यू आर प्लेइंग इन यू एंड नाउ यू आर प्लेइंग इन पाकिस्तान इट ड मीन के सेम uh, कंडीशन you know, जितनी ड्राइनेस आपको यू में मिलती है और जो यू uh, नो you know, शाम के टाइम जिस तरह का मौसम होता है और वो यू नो दू ए में आप कहीं भी खेलें दुबई में खेलें अबू धाबी शारजा में खेले दर प्लेस इज यू नो द सेम इट्स इट्स बेसिकली फ्लैट वेयर एज इन पाकिस्तान यू स्टार्ट फ्रॉम पिंडी कम टू मुल्तान दिन यू गो ऑल टू कराची वो यू नो आप ढलवान पे नीचे जा रहे हैं तो जाहिर है नीचे जिस तरह आप जाएंगे उतनी कंडीशन डिफरेंट होंगी तो आई थिंक इट्स वेरी गुड पॉइंट एच यू रेस्ट के घर के अंदर जब हम खेलना शुरू हो गए तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है आ, यार हमारे कितने सारे प्लेयर्स हैं जो बेचारे इसी आस में रिटायर हो गए कि यार हम अपने घर में एक टेस्ट मैच खेलते बहुत सारे नहीं खेल पाए तो यू नो इट यू इट वुडेंट बी रॉन्ग टू से एक पूरी जनरेशन चली गई मोर और लेस विदाउट होम कंडीशन इन योर ओन बैक यार्ड तो इट विल भी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट वर्क बट यू नो लेट मी गेट टू लीड पॉइंट नाउ आई हैव अनदर टॉपिक बट आई थिंक आई कैन दैट फॉर फॉर द एंड दो सौ दो पे पांच आउट हो गए टू एटी वन की लीड हो गई है इंग्लैंड की वट डू यू थिंक गिवन यू नो जो बेन स्टोक्स में कलम की मैंटेलिटी है कितनी एक लीड वो इस वक्त सोच रहे होंगे गिवन मतलब गिवन के हम उनको आउट ना कर पाए लेट्स से हम अगले पचास साठ रनपिन की पांच फिट ना ले पाए और अगर वो खींच पाए इस इस लीड को तो क्या लगता है आपको कितने कहाँ तक लेके जाएंगे वो मेरा जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि दे विल ट्राई टू टच फोर हंड्रेड क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि टाइम बहुत है uh, और इट्स ओनली गोइंग टू गो यू नो The pitch is only going to deteriorate, you know, more and more. Uh, मैं साउथ शकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उसने उसने कहा कि पिच जो है वो स्लो हो गई है डे वन के मुकाबले में डे टू स्लो पिच थी uh, बॉल लो रह रहा है uh, उस तरह से आ नहीं रहे तो ऑब्वियसली यू नो डे थ्री ऑनवर्ड्स और ज्यादा uh, स्लोनेस आ जाएगी पिच पे और अभी उनका मेरे ख्याल से शायद बैन स्टोक्स और हैरी ब्रोक खेल रहे हैं दे आर एट द क्रीज राइट नाउ तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर उनकी यू uh, नो you know, उसके बाद वो दिस दिस बी द लास्ट रिकनाइज प्रेयर जहां पे वो ज्यादा स्कोर खेच सकते हैं mm -hmm. तो मुझे लगता है कि 400 प्लस तो डेफिनेटली उनको देने होंगे जस्ट टू गिव देयर बॉलर्स इनफ चांस टू यू नो टेक द टेन विकेट्स जो पिच की कंडीशन लग रही है ऑबली पेन um, पे, पे ज्यादा रिलाय होगा लीच रूट जैक्स इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक स्टोक्स भी काफी वेल्यूबल uh, होगा क्योंकि पिच अगर स्लो हो रहा है तो वो यू नो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ पॉल जो वो करता है एंगल्स क्रिएट करता है तो ही विल बी वेरी हैंडी एज वेल रॉबिनसन ने ऑलरेडी शो किया है कियर ही इज अ डिफरेंट स्किलफुल डिफरेंट स्किल सेट है उसके पास तो ईजी uh, नहीं होगा पाकिस्तान टीम के लिए चेस करना जो भी टारगेट हो राइट right. अब तो यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते जस्ट बैट इट आउट और सरवाइव करो क्योंकि टाइम इतना है कि देर इज नो वे तो आपको यू हैव टू गो फॉर दिन बट जो हमारी माशाल्लाह से बैठिक चल रही है इस पे जो है वो वही वही वाला वा, वाली बात है कि कुदरत के निजाम वापस आना पड़ेगा <laughs> अभी कुछ हो सकता है अदरवाइज जो है वो मुश्किल लग रहा है देख अभी जो करंट सिचुएशन है कुदरत का निज़ाम भी यार उन्हीं को हेल्प करता है जो मेहनत करते हैं मतलब अगर आप हर दफा ये हाथ खड़े करके बैठ जाएं कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा तो कुदरत का निजाम भी ठीक है फिर हमसे भी नहीं हो रहा जाओ जो करना है करो अच्छा शेरियर आपने भी आ, देखा होगा आज अच्छा के रमीज राजा माइक एथेटन के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें एक जो बहुत पॉजिटिव बात है वो ये है कि आ, ही मेंशन फैसलाबाद सियालकोट एंड पिशावर कि ये तीन ग्राउंड्स हैं जिन पे वॉल्टी काम कर रहे हैं यू नो इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह मतलब दुनिया एक तरफ चल रही होती है हमारा मुल्क एक तरफ चल रहा होता है हर किसी मतलब हर शोबे में तो जो रमीज राजा ने बात की कि यू नो ये स्टेडियम्स क्रिकेट के हैं हमारे पास कुछ शहरों में लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाते रहे क्योंकि वह रैली हो रही और ये जो भी हो रहा है बट साइड आई एम श्योर आपने पिशावर के स्टेडियम की कुछ इमेजेस देखी होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड आई थिंक वंस दैट कम्पलीट हेज मैनी पीपल हेज सेट कि इट इज गोइंग टू बी दी मोस्ट एडवांस स्टेडियम इन पाकिस्तान आई मीन द न्यूएस्ट यू नो आई थिंक द मोस्ट कैपेसिटी एज वेल और उसका स्ट्रक्चर भी शायद वह दुबई के स्टेडियम की तरह बना रहे हैं

कि जो पिचेस हमें अभी देखने को मिल रही है पाकिस्तान में रमीज़ राजा के आने से पहले वो पिचेस इस तरह की नहीं थी मतलब यू नो कंडीशंस फॉर वेरी डिफरेंट एंड देन व्हेन वी सी रमीज़ राजा बैशिंग द पिच क्यूरेटर्स टू यू नो ऑन बेसिकली क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ पिचेस सो देर इज एन आयरन नी एंड एंड आई थिंक माइक वॉज ट्राइंग टू पॉइंट दैट आउट एज वेल तो रमेश राजा ने जब आई आई रिमेबर के जब वो पीसीपी के चेयरमैन बने तो बहुत बातें हुई थी कि यू नो हम ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे फिर वो पता नहीं कहाँ गया फाइनेंस के इशूज से जो भी थे मतलब यू नो दैट फेडेड अवे एंड नाउ वी सी पिचेस लाइक दिस तो वट डू यू थिंक मतलब यू नो आई मीन आई पर्सनली अगर मुझे कोई ये कहना कि यार हमारे पास टाइम नहीं था इतना या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था पिच बनाने का तो आई

वही वाली बात है ना कि यार के आ, मैं, मैंने तो शुरू में आई थिंक शायद हमारी जो पहली पॉडकास्ट थी मैंने उसमें ये बात बोली थी कि भाई जब आप एक डोमेस्टिक सीजन रन कर रहे हैं आपने मल्टीपल पिचेस डोमेस्टिक सीजन में बनाई हुई हैं तो आपको ऑल ऑफ अ सडन एक नई पिच की क्या जरूरत है जिन पिचेस पे आप अपने प्रीमियर प्लेयर्स को पूरा पूरा सीजन खिला रहे हैं क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला सकते क्या ओन पिचेस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से मैच नहीं करता आई I मीन mean, आप दुमे... अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपके डोमेस्टिक के जो पिचेस थी वो जो है वो डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप किन पिचेस से फिर आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को खिला रहे हैं और फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि जी के वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करेंगे यू you नो know? आप लाइक ए सेड के वो पिंडी की पिच आप उठा के देखें जो डोमेस्टिक की uh, पिच थी वो ग्रीन टॉप पिच थी वो ठीक right. है और आपने जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो रगड़ा पिच जो है ना वो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट <laughs> में बना दी है अब अब मुझे बताया ना कि उसमें आपने क्या एक्सपर्टीज आपको क्या एक्सपर्टीज चाहिए थी आपने क्या उसको क्या नया करना था उसपे अभी पिछले साल ही एक डेढ़ साल पहले ही आपने साउथ अफ्रीका होस्ट किया है mm -hmm. अच्छी खासी पिचेस बनी थी उस पर रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस थी उनके पेसर्स आए हुए थे सारे मगर आपने तो ये नहीं किया कि नहीं भाई हम उनकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलेंगे यू you नो know, अगर उनके पेसर्स ने विकेट ली थी तो हमारे पेसर्स ने भी विकेट ली थी हसन अली वॉज ऑफ द मैन ऑफ द मैच ऑन यू डिफरेंट फ्यू डिफरेंट ओकेजन तो द पॉइंट इज के भाई कि आप उसी चीज को फॉलो करो राइट right? आपको जरूरत क्या है हर चीज की जो ना वो हर चीज को छेड़छाड़ करने की और अगर आप इतने ही ऑप्टोमिस्टिक हैं पिचेस के बारे में तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहे हैं आप डोमेस्टिक में करो राइट right? आप इस अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी ये जैसे आई थिंक बाबर का भी स्टेटमेंट आया था कि जी के वो हम यू नो पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से हम लोग चाहते थे तो भाई इस तरह के एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक में कर लेना यार आप आप डोमेस्टिक में इस तरह की पिच बनाओ एक मैच खेलाओ देखो कैसे पिच बिहेव कर रहा है उसके बाद आप इंटरनेशनल मैच खेल लो देख नजर आ जाएगा आपको तो ये वही वाली बात है कि इतना ज्यादा जो चीजों को जो इन्होंने जो इन्होंने छेड़छाड़ की है ना उसकी वजह से भी काफी आ, ये बिलो स्टैंडर्ड पिचेस नजर आ रही हैं बट मैं पिचेस की बात ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर यू हैव टू प्ले यू नो क्रिकेट आप जो जिस मर्जी पिच पे खेल रहे हो अगले आपको जो है वो साढ़े छह सौ रन मार रहे हैं उसी पिच पे हम दो दिन बैटिंग करके भी साढ़े पांच सौ रन करते हैं यू you नो know? right. उसके बाद वो तीन सौ चालीस का आपको टारगेट देते हैं आप ढाई सौ पे बुक हो जाते हैं तो भाई आपको एट द डे अगर आप कह रहे हैं कि भाई पिच पिच वो स्टैंडर्ड नहीं थी तो अगर वो स्टैंडर्ड वाली पिच होती तो हम क्या कर कुछ नहीं करते कुछ ना कहते दो सौ <laughs> हम डेढ़ सौ पे आउट हो जाते तो बात वही है के जस्ट के, के जी के नहीं वो पिचेस का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था या पिचेस उस तरह से इतनी अच्छी नहीं है बट एट द थर्ड क्लास क्वालिटी की पिक्चर्स हमने देखी है जहां पे ढाई ढाई दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं यू नो बिल्कुल एक गजग टर्न हो रहा है ऐसी टेस्ट मैचेस सीरीज भी देखी है जहां पे गज गज टर्न हो रहा होता है पहले दिन से तो वहां पे भी टीमें खेलती हैं ना यार हम जो है वो एक तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे है ऊपर से हमने एक्सक्यूज बनाया हुआ है कि जी के पिचेस अच्छी नहीं है या उनके या वो उस तरह से बिहेव नहीं नहीं, कर रही। बिल्कुल नहीं, मैं exactly इसे पे आना चाहता था कि ठीक है की बात हुई, लेकिन कि और यही लग रहा है कि इंग्लैंड हैज बीन एबल टू रीड द कंडीशन मच बेटर ठीक है पाकिस्तान ने टीम कॉम्बिनेशन इस टेस्ट के लिए ऐसा रखा कि जो उनको लग रहा था कि पिच बिहेव करेगी मुल्तान में वो you know, to an extent प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे पिंडी के पिच चीनो वन साइडेड बैटिंग साइड पे चली गई बुल्तान के पिच जो है वो वन मतलब कम्पलीटली जो है वो स्पिनर्स की तरफ जा, जा रही है अब तो यू नो दिस इज वेयर आई थिंक अलॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर कमिंग फ्रॉम एंड देन सींग रमीज बेसिकली मेकिंग दैट स्टेटमेंट जब मैंने वो देखा उसका इंटरव्यू तो यू नोट इट जस्ट

सीनियर अंपायर हुआ करते थे इंडिया से आपको शायद याद होगा वो जो मैच के दरमियान कह रहे थे यार इसको ऐसे बॉल कर रहे थे तो भाई मैच पे हमसे प्रैक्टिस भी नहीं होता मैच पे हमसे एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं <laughs> तो अगेन ये जो आपने मिशिगन वाली बात की ना वो हाँ। अभी जो हम पिचेस की बात कर रहे थे तो वो एक और एग्जांपल मुझे याद है कि जब हम मैचेस खेलते थे यहाँ पे तो वो जब मार पड़ रही होती थी ना बॉलर्स को तो अगले कहते थे यार इन्होंने बाउंड्री जो है ना साठ मीटर की लगाई हुई है तो भाई वो अगर आपको धो रहे हैं तो भाई आप भी मारो साठ मीटर की बाउंड्री तो आपके लिए भी है आपसे जो थर्टी यार्ड नहीं क्रॉस हो रहा है अगले आपको जो लंबे लम्बे देर बाउंड्री छोटी लगाई हुई है मतलब ऐसे ऐसे मतलब यू नो सीन्स होते थे हमारे टीम थे जो हर दफा बैटिंग पे जाते थे दूसरी बॉल पे आउट होकर अपने यूटी के बैट को देखते हुए यार बैट ठीक नहीं हो भाई पिछले तीन साल से आप नए पे नए बैट लेकर आ रहे हैं तो आपका बैट ठीक नहीं होता तो खैर यू नो अगेन इट कम्स बैक टू माइंड सेट अच्छा शरिया जो रमीश राजा ने आज स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें से जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी वो थी टी ट्वेंटी बैटर्स की टी ट्वेंटी प्लेयर्स की um, मेरी आपसे आज दिन में बात हो रही थी और आपने मुझे पॉइंट आउट किया था बेसिकली कि रमेश राजा ने स्टेटमेंट दी है तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू देखा और Although उसने बात थोड़ी कैजली की थी बट ही सेड इट एंड यू नो वेन यू चेयरमैन इज सिंगट मीस इट हैज समेटेज बिहाइड इड कोई ना कोई तो थॉट थोड़ होगी उसकी तो रिसेंटली उसने कहा कि रिमेश राजे ने उन्होंने कहा कि यू uh, नो you know, हम इंग्लैंड को टेस्ट मैच में टी uh, ट्वेंटी की तरह खेलते देखे तो मैंने बाबर को कहा कि यार आप भी एक काम करो टी ट्वेंटी के प्लेयर्स लेकर आओ तो अगर आप इसको बहुत लाइटली लेंगे तो ठीक है यू you नो know, एक आपके मजाक में बात समझ में आती है बट अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे थोड़ा डेप्थ में जाकर तो यू नो इट इट इज अगेन एक कन्फ्यूजन ऑफ अ माइंड सेट ठीक है मतलब आपके माइंड सेट का कोई कन्फ्यूजन है क्या है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार मैंने टेस्ट खेलना है मैंने टी ट्वेंटी खेलना है मैंने हॉकी खेलनी मैंने स्कॉश खेली मैंने घर बैठ के लूडो खेलनी है मैंने खेलना है क्या है एंड आई यू नो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी ये बट दिस इज एग्जैक्टली वट केम टू माई माइंड कि यू you नो know, Like we are just confused कि हमने, हमने खेलना क्या है हम, हम क्या करने जा रहे हैं ना हमारी पिचेस हमारे एक्सपेक्टेशन uh, से बिहेव कर रही है ना हमारे प्लेयर्सेव कर रहे हैं न हमारे मेहमान इंग्लैंड बिहेव कर रहे हैं वो तो हर बहुत ही मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ ठीक <laughs> <laughs> है और अब आप, आप कह रहे हैं कि यार हमारे पास प्लेयर्स जो है वो टी ट्वेंटी होने चाहिए सो वट वॉज योअर इम्प्रेशन जब आपने ये स्टेटमेंट सुनी रमेश I mean, राजकी आपकी टीम में आधे प्लेयर्स तो टी ट्वेंटी वाले खेल रहे हैं ठीक है ना आप कप्तान टी ट्वेंटी का कप्तान है विकेट कीपर आपका टी ट्वेंटी खेलता है आपने पहले मैच में हार एस को डेब्यू करा दिया वो टी ट्वेंटी खेलता है नसीम टी ट्वेंटी खेलता है यू नो नवाज टेस्ट मैच रहा है वो भी टी ट्वेंटी शान मसूर टी ट्वेंटी खेलता है वो बाहर बैठा हुआ है <स्था> तो वही क्या कितनी टी ट्वेंटी खिलानी है उन्हें पीछे रे कौन गया रे कौन गया दूसरी बात ये कि हम हम कौन से टी ट्वेंटी में जो है वो बटलर बने हुए हम टी ट्वेंटी में टेस्ट खेल रहे होते हैं जो हाल जो हाल बैंड और हैरी ब्रुक वगैरह टेस्ट में हमारा कर रहे हैं हम तो ये काम टी ट्वेंटी में भी नहीं कर रहे होते वो हमारे साथ टी ट्वेंटी में भी यही कर रहे होते हैं। <laughs> वो हमें ट्वेंटी में भी रगड़ रहे हैं टेस्ट में भी रगड़ रहे हैं हम दोनों जगह पे जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है हमारे हमने करना है। तो खैर रहा ना सीरियस नोट आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आई मीन अगर आप इसको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ठीक है कि आपको uh, जो है वो उस तरह के प्लेयर्स अब इंडक्ट करने चाहिए टीम में जो एक तरीके से जो आप मॉडर्न मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट है जिसमें थोड़े एग्रेसिव हों अटैकिंग शॉट्स खेलें जहां पे वो दे लुक टू स्कोर रन्स ठक्के ना लगा रहे हूँ बेसिकली ठीक है तो अगर आप उससे उस उसमें उस देखें तो ठीक थी, है कि आप नए लोगों को इंक्लूड कर सकते हो आप ट्राई आउट कर सकते हो बट एट द एंड ऑफ द डे बात फिर वो आ जाती है कि, कि हमारी टीम के अंदर उस तरह का पेशेंस है उस तरह की एबिलिटी है रिस्क टेकिंग की जो इंग्लैंड ले रहा है क्योंकि इंग्लैंड इज वेरी क्लियर कि भाई ठीक है हम जीतेंगे जीतेंगे हम हारेंगे हारेंगे राइट इस बेन स्टोक्स को ये नहीं परवा कि भाई के अगर मैं दो ये थ्री जीरो हारता हूँ पाकिस्तान से तो मैं कहीं बाहर ही ना हो जाऊ mm -hmm. you know? या जो बैज मुकलम है उसको ये नहीं परवागे जी कि मैं अगर ये सीरीज हारता हूँ तो अगले मुझे फायर कर देंगे एग्जेक्टली exactly. यहाँ तो ये मसला है ना आप देखे ना अब आप मैं आपको इसकी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ अभी पाकिस्तान का कोलेप्स हुआ है ना वन फोर्टी टू फोर थ्री थे हम राइट right? दो पूरी टीम बाहर आ गई ना राइट right. तो बजाय यह कि जिन प्लेयर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई करो उनको उन पे एनालिसिस करो हमारे जो हैं वो काफी आ, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इस बात पे बात कर रहे थे कि जी के शान मसूद क्यों नहीं खेल रहा अजहर अली क्यों नहीं खेल रहा यासिर शाह क्यों नहीं खेल रहा एज एफ के उन्होंने कोई सिंगल हैंडल चीजों को जो है ना वो ठीक कर लेना था या वो कोई खड़े जो है ना उन्होंने सारे रन खुद ही बना लेने तो दिस इज वेयर के हमारा जो मसला है ना कि हम कभी भी उस अप्रोच पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी ना उस तरह की अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे अंदर उस तरह का पेशेंस है नहीं हमारी उस तरह की एबिलिटी है के भाई के ठीक है क्या अब इसकी एक और एग्जाम्पल देखे ना आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप उठाए सारा वन टू ऑल नाइनटी नाइन परसेंट लोग कह रहे थे ना कि मिडल ऑर्डर फारे गए हमारा राइट बिफोर गोइंग इन टू वर्ल्ड कप हमसे बाबर और रिजवान के बल पे पूरा टूर्नामेंट यानी कि टी ट्वेंटी खेल रहे है पूरे टूर्नामेंट में राज बाबर और रिजवान फेल गए ठीक है exactly. अगर आप फाइनल तक पहुंचे हो तो मेजोरिटी uh, उसकी बहुत बड़ी वजह आपका मेडल ऑर्डर था राइट राइट द पॉइंट वॉज के उस मेडल ऑर्डर को जिस तरह भी का भी था उसको बैक किया उसको उन्होंने मैचेस दिए उन्होंने उसको दे स्टिक टू इट ठीक है इवेंचुअली इट पेड ऑफ सही है ना तो या आप बाबर की मिसाल ले लें बाबर टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा था अगर मिकी की उसको सपोर्ट नहीं करता उसको बैक नहीं करता ही वुड हैव बीन अनदर यू नो अनदर बैटर तो हमारे अंदर उस तरह की या तो हमारे पास उस तरह के मैनेजमेंट में लोग हों कि हाँ भाई ठीक है कि हम ये अडॉप्ट करेंगे और ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है हमारे पास प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं मगर मसला से वहीं आ जाता है कि जहां पे वो फेल होंगे ना बैकिंग किसी की नहीं है कोई बैकिंग करेगा उन्हें तो वहां पे प्रॉब्लम आती है और वहां पे फिर आप आके बोलते कि ठीक है कि फिर आप भले खिलाओ टी इस तरह के माइंडसेट के प्लेयर्स मगर फिर बात वही आएगी कि आप चले जाओगे अगर आपका तीन साल का टेनिंग है आपके बाद जो आएगा वो सबसे पहले काम करेगा नहीं जी इसको निकालो उसको डालो उसको ये करो उसको वो करो वो तो सारी चीजें चेंज हो जाती right. तो हमारे सेटअप में जो है ना इस तरह की चीजें करना बहुत मुश्किल काम है मतलब वही ना कि यार बात एंड पे सिस्टम पे ही आती है और असल में आई थिंक टू मी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इस हमारा माइंडसेट बहुत रिएक्टिव है कि अगर एक चीज होगी तो उस पर बात कर कर कर, कर, कर के उस टॉपिक को भी टॉपिक को भी रगड़ देना और उस बंदे को भी रगड़ देना आपने मतलब तो इम्पॉसिबल कि आपके पास कोई उस तरह के माइंड सेट कप्लेयर्स ना हो बात वही आती है एट द डे के यार यू हैव टू बैक योर करंट लॉट मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदे ने ये किया वो किया वो जो हमने पहली पॉडकास्ट में बात की थी कि हमारा जो एक नेशनल माइंड सेट है वो ये अगर कि किसी ने अच्छा किया तो हम तारीफों के पुल बांध लेंगे किसी ने बुरा किया तो हम बिल्कुल ही दूसरे यू नो कॉर्नर पर ले जाते हैं बात को एंड वन ऑफ द मेन रीजन वाई यून वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिकॉज वी वॉन्ड टू यू नो एट डू आवर बेस्ट कि जो एक ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड एनालिसिस होना चाहिए वो लोगों के सामने रखें और वो बेसिकली इट ऑल कंसर्न टू जस्ट वन थिंग कि यू हैव टू बैक यू नो योर प्लेयर्स यू हैव टू गिव देम इनफ चांसेस और एक मतलब यू नो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस रिएक्टिव माइंडसेट सेट कि यार, यार अगर ठीक है इस बंदे ने आज नहीं परफॉर्म की तो दैट डजेंट मीन कि वो कल ना करे हमारे मतलब थ्रू आउट ए टू जी पाकिस्तान में जो है ना हर चीज में मतलब हर वक्त सड़क के ऊपर तलवार लटक रही होती है मतलब हम यू नो वेन आई सेट इन द फर्स्ट पॉडकास्ट के यू नो समी लाइक यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड वट कैंड ऑफ प्रेशर एंड एनजाइटी आर प्लेयर्स मस्ट गो थ्रू इन एम इज बिकॉज दिस इज आवर कल्चर यू नो कि हमें कोई ना कोई इन सिक्योरिटी रहती है कि यार अगर हमने आज अच्छा नहीं किया तो कल हमारा पता नहीं क्या होगा तो खैर लेट्स लेट्स सी ये एक और मसला ये भी है ना हमारा के हमारा एक और मसला ये है कि जो भी प्लेयर टीम में सिलेक्ट होता है ना वो या तो किसी ना किसी की पर्ची होता है हाँ, या वो किसी ना किसी का लाडला होता है ठीक है <laughs> वो यानी वो बंदा कभी भी मेरिट पे उस, मेरिट उसकी होगी नहीं ना कभी भी किसी की न, हर किसी की नजर में उसकी मेरिट नहीं होगी चाहिए तो वो किया तो किसी का पर्ची होगा या किसी का लाडला होगा जब इस तरह का आपको प्लेयर जब जब आप किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करो एक ग्रुप कहेगा ये लाडला एक ग्रुप कहेगा पर्ची एक ग्रुप कहेगा मेरिट है तो अब जब आप, आप उसी प्लेयर को फील्ड पे डालोगे कि हाँ भाई ठीक है कि अब आप मैच जितवाओ बैट से बॉल से जिस तरह भी तो आप उसने एक तो उसको मैच का प्रेशर है ऊपर से उसको ये प्रेशर है कि भाई के मैंने ये प्रूव करना है यार मेरिट मैं मेरिट कराया हूं मैं मैंने

वो कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है कि जहां पर हम मैं सिर्फ उसको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डकेट की जगह पे आप उसको जो है ना वो कोई बशीर मेमन रख दें नाम उसका राइट और उसके स्टेड लगाए आप, आपको 99 परसेंट लोग बोलेंगे यार कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता तो सोशल मीडिया पे एक कत्ल हो जाएगा भाई का ठीक है वो <laughs> डिजर्व ही नहीं करता उस नंबर पे खेलना मगर वो इंग्लैंड वाले खिला रहे हैं उसे क्योंकि उनको उसकी एबिलिटी का पता है exactly. कि वो क्या कर सकता है राइट इसी तरह लिविंगस्टन है ठीक है लिविंगस्टन प्राइमरीलीफ जो है वो लिमिटेड ओवर्स का प्लेयर है ठीक है ना हमारे वाले जो है अगर आप उसी आप डालें आज आज आप इफ्ती भाई अभी तो हॉट चल रहे हैं ना छक्के मार रहे हैं हर जगह <laughs> भाई को आप डाले जरा टीम में फोरन जो है ना वो आ, लेबल लग जाएगा उस पर ठीक है वो, वो ये इस जब आपका ये माइंड सेट हो ना कि यार आपने टेलीथॉन करनी है बैठ के इस तरह की टॉपिक्स पे उसको रगड़ दो उसको लताड़ दो यू you नो know, वो पर्ची है वो लाडला है वो ये है वो वो है तो फिर आपने क्या अपनी क्रिकेट जो है ना वो इम्प्रूव करनी है एग्जैक्टली exactly. और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हमारे लोग इन चीजों को सुनते भी बहुत हैं तो अगर हमारे सीनियर सोलेंड्स so भी जब इस तरह की बातें करते हैं बैठ के तो वो एक आप ना एक ओपिनियन शेप कर देते हैं जैसे जर्नलिस्ट को लोग कहते हैं कि दे आर दी ओपिनियन मेकर्स इसी तरह ये जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठ के इस तरह की बात कर रहे होते हैं दे आर शेपिंग दी ओपिनियंस और वो अगर ऊपर से बात आ रही है तो वो इतनी नीचे तक ट्रेसेंट करती है कि फिर बोर्ड हर बंद सोच रहा होता है अच्छा शेर यारू नो येस्टे एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट क्रिकेटिंग इवेंट हुआ है गेम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और उसमें एशन किशन का दो सो कहना द फास्टेस्ट टू हंड्रेड आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग पार्ट ऑफ दैट इनिंग्स बिकॉज रात को जब बैठा टेस्ट मैच देख रहा था तो जब कोई आउट होता तो मैं कहते यार दफा करो कुछ और ही देख लो तो मैं उधर ही जा रहा था बार बार तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब से विराट कोहली यू नो एवर ही टर्न थर्टी मुझे ऐसा लगता है कि जो यू नो ही टुक ओवर अ रोल ऑफ बींग बिग ब्रदर इन टीम और जब भी ये किसी जूनियर बैटर के साथ बैटिंग कर रहा होता है तो यू नो यू सी दैट परसोना यू सी दैट कैरेक्टर ऑन द पेच एंड ही वॉज डूंग सेम थिंग विद इशन किशन ये एंड आई एव बिन सीइंगर अ लॉन्ग टाइम यू नो बिन वॉचिंग हिज गेम फॉलोइंग हिम इज वेल I, I like the डूट आई लाइक हिट्स vibe. मतलब यू नो वो एक बड़ा कूल डो टाइप सा आता है जिस तरह से उसने कल दो सौ किए वो तो कल आउट हो गया वरना वो शायद 300 सौ ही कर देता है और उस जोन में था तो हाउ डू यू रेट दैट इनिंग्स नो वट डू यू थिंक वो इनिंग्स ऑल दो बांग्लादेश के अगेंस्ट है बट बांग्लादेश में उनको सीरीज लगाई है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश एक वीकर ओपोनेट था बांग्लादेश होम में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है तो वहां पे ये स्कोर करना लाइक हाउ हाउ डू रीड दैट इनिंग्स नो इट वाज अ वंडरफुल नॉक मैंने तो जब वो स्कोर कार्ड देखा ना तो मैंने कहा भाई ये कहा से आ गया लाइक आई मीन यहाँ तो इनके उन, लास्ट टू मैचेस में अगर आप देखें तो उन, वो तो काफी स्ट्रगल उन कर रहे थे बैटिंग में mm -hmm. आ, स्पिन पे तो वही वाली बात है कि ही जस्ट आउट ऑफ नो प्लेड दैट काइंड ऑफ इनिंग अब मसला ये ना कि देखो उसने रिप्लेस किया रोहित शर्मा को ठीक है वो रोहित शर्मा की जगह पर आया टीम में और उसने आते के साथ ही जो दोसों दोसों है ना वो दो सौ मार दिया तो अब अब आप देखे ना कि अब वहां वहां पे भी तो हमारे वाले बैठे हैं ना सारे अब तो वो तो उन्होंने तो तबाह कर देना रोहित शर्मा के कैरियर की भाई ये तो बाढ़ निकालो ये तो ईशान किशन जैसे प्लेयर हमारे पास डगआउट में बैठे हैं सौ मार रहे हैं तो ये क्यों नहीं है टीम में बिल्कुल तो आई मीन आई गेस इट्स इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव मगर आ, वही वाली बात है कि जब चांसेस इस ये ये होता है इस तरह होता है कि जब आप किसी भी यंगस्टर को चांस मिले ही दे ही शुड ग्रैप इट विद बोथ हैंड्स कि यार ठीक है भाई कि जब भी आप हाँ मुझे चांस दोगे ना मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कि मैं, मैं कौन हूँ तो उसकी ऑब्वियसली ही जस्ट यू नो प्लेड ही जस्ट लुकड अपार्ट बेसिकली वहां पे और जो सीनियर प्रोस खेल रहे थे आ, उसकी उ, उनको उसने दिखाया कि भाई के यू नो दिस इज हाउ यू प्ले अम अब देखते हैं कि उसको आ, किस तरह से वो कैरी करते हैं आ, और उसको और कितने चांसेस मिलते हैं बिकॉज अब होम पे उनके वर्ल्ड कप है तो ऑब्वियसली Uh, इस तरह की परफॉर्मेंसेस उनको काफी मोटिवेट करेंगी इनकरेज करेंगी कि भाई हमारे प्लास जो है वो ऐसा टैलेंट है जो जो यू नो टीम को कैरी कर सकता है टीम को एक नई वो जो एक फ्रेश ब्रीद ऑफ एयर जो चाहिए वो मिल सकती है टीम को एग्जैक्टलीवन exactly. uh, जो है वो मतलब वो अपने कैरियर के एंड पे हैटिंग you know, तो आई थिंक अगर इशन जो है वो इसी तरह की एक दो मतलब एम नॉट सेंगे ही शुड स्कोर मोर टू हंड्रेड मीन इट विल ग्रेट इफ ही यू नो दैट वुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम बट बिटवीन नाउ इन द वर्ल्ड कप अगर एशियन मतलब इसी अप्रोच के साथ कुछ इनिंग्स खेल लेते हैं तो आई थिंक हिसमोस्ट वेटी मच ऑन द कार्ड क्योंकि के आर राहुल जो है ही इज मिन स्ट्रगलिंग इन दी यू नो इन दैट ओपनिंग शेखर धवन For this ODS series with Rohit, so we'll, we'll see what uh, how it goes, and then again, you know, uh, the mighty Virat Kohli scored his seventy second hundred yesterday, so that was also good to see. So uh, I guess the end May, you know, although we have talked about that, how lead England lay, le sakte and all that, or Ben Duckett, who Abraar ki baare mein baat kar rahe the, Ben Duckett, then bold ho gaye finally, and very much very, you know, mediocracy ball thi. I think Abraar was uh, he himself was very surprised. I mean, the ball haath se nikal gaya, but बोल्ड हो गया वो सो इन शॉर्ट लाइक हाउट वट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस डे दिसकेंड टेस्ट मैच आपको क्या लगता है कि पहले पहले सेशन में अगर हम देखें इस, इस, दिन को तो वेयर डू यू सी द गेम गोइंग इन द फर्स्ट सेशन आई थिंक ऑब्वियसली इंग्लैंड जिस पोजीशन में है वो uh, डोमिनेट करेगा आज का दिन भी वेदर दे डिसाइड टू डिक्लेयर टुडे और नॉट मगर जिस पोजिशन में वो है दे कैन ओनली यू नो देउट दिसमिनेट करेंगे अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रोर्डिनेरी बोलिंग कर दी है जिस तरह ये बेसिकली टेस्ट मैच अगर आप देखें तो ये अब आसे इंग्ग्लैंड चल रहा है बिल्कुल हाँ, ऐसी <laughs> वो ही विकटे भी ले रहा है रन आउट भी कर रहा है रन आउट भी वही वो वही सब कर रहा है इंग्लैंड वाले जो ना वो वो किसी ने कहा था ना कि मैं कल ही काफी हाँ <laughs> तो यही यही वाला हिसाब है उसका कि वो अकेले ही पड़ गए इनको तो और और आ, एक ही पड़ा है बस हाँ वो ही पड़ा बाकी सारे कह रहे हैं भाई तू ही कर वही <laughs> मोहल्ले में लड़ाई हो रही तो आप हम सबको आई यार तू 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 लड़ जाके तू जा भाई <laughs> आप ही करो हम बस देख रहे हैं हमें है, तो आप पीछे हैं आप करो जो करना है <laughs> तो अभी तक तो यही चल रहा है भाई मगर ऑब्वियसली uh, uh, मेरा मैं मैंने जैसे पहले कहा कि इंग्लैंड ऑब्वियसली दे विल दे विल वांट टू पोस्ट अ डिसेंट टोटल फॉर नॉर्थ ऑफ फोर और Uh, अगर वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि वो टी ट्वेंटी मोड में अगर आ गए तो दे कैन यू नो स्कोर फाइव हंड्रेड यू ने हाँ तो वो तो कर सकते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है बट ये कि हमें अगर हमने टू कम आउट एंड टेक फाइव वीजेस हमें रन mm -hmm. तो पड़ेंगे ही तो रन पड़ने का कोई मसला नहीं है एज लॉन्ग एज अगर हम पॉजिटिव इंटन के साथ आए हम वो पांच विकेट लें एंड देन जस्ट यू नो प्ले प्रॉपर क्रिकेट हमें बैटिंग उस तरह से करनी है आ, ओपनर्स पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि इस आ, लास्ट इनिंग्स में भी देर नाट एबल टू पुटअप अ पार्टनरशिप इधर भी पहली इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए तो दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश करें बाकी प्लेयर्स के लिए तो गेम इंटरेस्टिंग होगा इज इट ऑल डिपेंड्स के पाकिस्तान किस तरह से आगे खेलता है अगर तो वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ आते हैं तो ये टेस्ट मैच अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और अगर वो बिल्कुल ही बस वही वाली अगर वो बस खाना पूरी करने के लिए आएंगे तो फिर ये बहुत ही वन साइडेड हो जाएगा यहाँ से आई एग्री आई थिंक अगर वो अ, अपने कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल माइंड के साथ आते हैं तो स्कोर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया उस माइंड सेट के लिए मतलब 281 के तो अगर उसी तरह उन्होंने खाना पूरी के लिए आना है तो वो नहीं है तो बेहतर है ऑलरेडी बहुत लग गया स्कोर well, yeah, we'll, we'll, we'll uh, से, सेमीफाइनल देखा हो, सबने, फाइनल देखा हो पूरी टीम ने डिमोरलाइज हुए थोड़े हार से तो हाँ हमारा कोई चांस है <laughs> तो मुश्किल लग रहा है बहुत. बिल्कुल ऐसी And I think with that, uh, we'll wrap it up for today. But uh, again, thanks for your time. I think it's been a great discussion. Or although we plan to get it's just that you know there's so much happening in this test series. That if we wait, we won't be able And I think in a, in a way, it's good—the uh, uh, fact that there's so much happening in this test series you know it's, it's just keeping the whole thing. इंटरेस्टिंग इट्स कीपिंग द होल थिंग लाइफ मतलब ये नहीं है कि आप पांचवें दिन तक वेट कर रहे हैं रिजल्ट क्या मतलब अभी दो दिन खत्म हुए है और हमें अभी से टेंशन पड़ है कि यार पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा क्योंकि हमें पता है कि रिजल्ट आजकल में आ जाएगा <laughs> पांचवा दिन तो मुश्किल है चौदह दिन मतलब पांचवा दिन तो दूर की बात चौदह दिन तक भी जाने का मुश्किल लग रहा है सो विल सी वट है ड्राफ्ट की तैयारी भी तो करनी है ना तो जल्दी खत्म हो जाए तो टाइम ज्यादा मिल जाए kis kis cheez ki because be very but we'll, we'll see what happens. Chale uh, guys, uh, I think with that uh, that's all uh, from us today. Thanks again for uh, you know tuning in. Or uh, if 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 you like if you like this, if you have a specific topic that you would like us to touch upon, objectively of course, then you know uh, drop us a comment or or let us know. And hopefully we'll see you guys soon. Uh, so with that, take care guys. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz.